और आखिरी ये बात है, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या चीज है, जीवन जीने की कला क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसे मन में हो रहा, चल रहा है ना कुछ लोगों के मन में। जीवन जीने की कला, पांच तत्व है इसमें, पांच बातें हैं, सिर्फ पांच बातें। क्या? जीवन में सुख आएगा, दुख आता है, सुख आता है, सुख दुख में मन को संभालना, समता में बनाए रखना, सबसे पहला पाठ है, पहला तत्व है। ये जरूरी है कि नहीं, बताओ? जरूरी है, अपने मन को संभालना है ना, सुख में चाहे दुख में मन को संभाल के रखना, सबसे पहला। विरोधात्मक चीजें होती है, कभी हार कभी जीत, कभी लाभ कभी नुकसान, कभी खुशी कभी गम, ये आते हैं चले जाते हैं, मगर आदमी भीतर से यदि टूट जाता है, मन उसका एकदम बैठ जाता है, तो वह फिर कुछ नहीं कर पाएगा। मन को थामे रखने की कला है, ये सबसे पहला पाठ। दूसरा पाठ है जीवन जीने की कला का, दूसरा पाठ, जो व्यक्ति जैसा है उनको वैसे स्वीकार करें। हम चाहते हर कोई मेरे जैसे हो, कहां संभव है? सासू जी चाहती है बहू मेरे जैसे हो, जब मैं कहता हूं वही सही वही माने। बाप समझता बेटे मेरे जैसे ही करे, संघर्ष शुरू हो जाता है घरों में, समाज में। तो मैं कहता हूं जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करें, उनको समय दें बढ़ने के लिए, अपनी रफ्तार से वो आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा है, ये चिंता न करें दूसरे व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। दुनिया में हर आदमी को सोचने का अपना ही एक ढंग है, विचार है, जो जो चाहे सोचने दें आपके बारे में, आप फिक्र मत करो दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। सोच सोच के आप दुखी हो रहे हो, कितने लोग इस तरह से दुखी होते हैं दूसरों के विचारों को देख करके। फालतू है, समय खराब है, इससे जीवन खराब है। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसलिए मैं कहूंगा दूसरों के फुटबॉल मत बनिए, ये तीसरी बात। चौथी बात है, जब हमसे भूल होती है तो हम कहते हैं कि हम भूल हो गया जी, क्या करें, पर कोई और करता हो तो हम कहते हैं इसने तो जानबूझ के करी, किसी और के भूलों पर हम समझते हैं इसने जानबूझ के करी। सो ना करिए, क्षमा करें, ये ना सोचे दूसरे आके हमसे माफी मांगे तब माफ करूंगा, मांगे ना ना मांगे अपनी तरफ से सबको माफ कर दो, कि आपका मन खाली हो जाएगा, आप खुश रह पाओगे, आप हल्का महसूस करोगे। नहीं तो जिसके ऊपर नफरत है वो दिन रात आपका मगज खाता रहेगा, वो व्यक्ति बैठ के तुम वैसे हो जाओगे उनके जैसे। इसलिए मैं कहता हूं क्षमा कर दो, माफ कर दो, कोई माफी मांगे बिना भी माफ कर दो, तुम कम से कम अपने मन को बचा लेना। क्षमा ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत मुख्य चीज है। जीवन में हमें सुखी रहना हो तो एक क्षमा हमारे जीवन में लानी पड़ेगी हमें। अष्टावक्र महर्षि यही कहते हैं, भाई तुम्हें मुक्ति चाहिए तो दया क्षमा आर्जव सरलता, इसको तुम अमृत जैसे मान के जीवन में बना लो। आप अभी कर सकते हो क्या? देखिए आज तक जिन जिन के तरफ तो आपकी नफरत है, कुछ है, द्वेष है, 1 मिनट, एक ही मिनट लगता है उसमें, 1 मिनट सोचो चलो मैं माफ कर दिया सबको, कर सकते हो, कह सकते हो? कितने लोग कह सकते हो? हाथ उठाना, हाथ उठाओ, देखो हाथ उठाओ भाई, देखो कितना हम खुश हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, आपको लगता है मुश्किल है माफ करना, मैं एक और उपाय करूंगा। जब गुरुजी आपके शहर में आते हैं, आपका फर्ज क्या बनता है? दक्षिणा देने की फर्ज है, बनता है नहीं क्या?
जब एक गुरु जी अपने घर में गांव में आते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, गुरु को दक्षिणा देते हैं। मैं दक्षिणा के रूप में आपसे दो चीज मांगूंगा, एक तो जिससे आपको नफरत है वो नफरत मुझे दक्षिणा में दे देना, उनको जाके मिठाई बांट देना, और दूसरी बात आपके मन में कोई चिंता सता रहा हो वो चिंता को भी आप मुझे दक्षिणा के रूप में दे दो, अपनी चिंता मुझे दे दो, यही दो दक्षिणा मुझे चाहिए। आप मुस्कुराते मुस्कुराते रहो जीवन में, आगे बढ़ो, सेवा के काम में लगो, सबकी सेवा करो, वही ईश्वर पूजा है। एन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिना संतोषम जनयेत प्राज्ञा तदेवेश्वर पूजनम। ईश्वर की पूजा क्या है, किसी भी तरह से सब लोगों के मन में खुशी पैदा करो, संतोष पैदा करो, यही सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। कितनी बड़ी बात, सुंदर बात कह दी हमारे पूर्वजों ने, है ना। और पांचवी चीज है, पांचवा तत्व जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो फाउंडेशन है वो है वर्तमान में जीना। अब 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 बीती हुई समय जैसा भी हुआ हो उसको लेके पोस्टमार्टम करते हुए, विषाद करते हुए समय नहीं बिताना। हम 70-80% हमारा समय व्यर्थ करते हैं बीती हुई बातों को लेके, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब इंक्वायरी कमीशन बिठाते रहते हैं हम लोग, इतने इसमें पैसा खर्च, समय बर्बाद, सब बीती हुई समयों को लेके अफसोस करते रहना मूर्खता है। बुद्धिमत्ता यही है, जो बीत गई उससे पाठ सीखा, वर्तमान में खुशी से आगे बढ़े, वर्तमान में जियो, ये जीवन जीने की कला है। अच्छा आप ये कहोगे, गुरुजी ये सब सुनने में अच्छा है, जीवन में उतरना मुश्किल लगता है, तब मैं कहूंगा सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो, देखो कैसे जीवन में ये सहजता से निखर आएगी।